वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है और जेड ट्रांसफॉर्म में कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी सहायता से हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल या सिस्टम्स का एनालिसिस कर सकते हैं। यानी अगर आपका सिग्नल या सिस्टम डिस्क्रीट टाइम है तो हम जेड ट्रांसफॉर्म यूज करके उसके पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म दो टाइप का होता है, पहला बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म जिसे हम डबल साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, दूसरा होता है यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म जिसे हम सिंगल साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म कहते हैं। बाइलेटरल और यूनिलेटरल, बाइलेटरल का यूज किया जाता है किसी भी सामान्य सिग्नल के एनालिसिस में, चाहे वो कॉजल हो या नॉन कॉजल हो, जबकि यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म का यूज सिर्फ कॉजल सिग्नल्स के एनालिसिस में किया जाता है। बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म के केस में आप अपने सिग्नल एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं, या जेड ट्रांसफॉर्म को लिखने का तरीका एक ये है, हम लिखते हैं एक्स जेड एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म। तो अपने सिग्नल xn का z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो है समेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सिग्नल xn z की पावर माइनस n। ये फॉर्मूला कैलकुलेट कराता है बाइलेटरल z ट्रांसफॉर्म को किसी भी सिग्नल xn के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, सपोज हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn है 1, 2, 3, 4, n इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे सिग्नल का सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन है, तो जहां पर एरो लगा है वो पॉइंट करता है n इज इक्वल्स टू 0 को। तो 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4 वैल्यू है हमारे सिग्नल xn की। अब हमें इसका बाइलेटरल z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो उस बाइलेटरल z ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट xn z टू द पावर माइनस n। जब हम इस फॉर्मूले को अपने सिग्नल के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि हमारा सिग्नल n की वैल्यू 0 से लेकर के आ रहा है 3 तक, तो इस समेशन की लिमिट हमें हमारे सिग्नल के हिसाब से बदलनी पड़ेगी n इज इक्वल्स टू 0 से 3। सिग्नल है हमारा xn, फॉर्मूले का पार्ट है z टू द पावर माइनस n। अब इसके बाद xn की इन चारों वैल्यूज को हम अपने इक्वेशन में इंक्लूड करेंगे। हम चाहें तो पहले इस सीरीज को एक्सपैंड करके भी रख सकते हैं। n इज इक्वल्स टू 0 पर हमें ये सिग्नल मिलेगा एक्स जीरो z की पावर माइनस 0 प्लस n इज इक्वल्स टू 1 पर एक्स 1 z की पावर माइनस 1 प्लस 2 पर एक्स 2 z की पावर माइनस 2 प्लस 3 पर एक्स 3 z की पावर माइनस 3। अब इस सीरीज को एक्सपैंड करने के बाद हम इसमें सिग्नल की वैल्यूज को रखेंगे, तो सिग्नल में सबसे पहले एक्स 0, एक्स 0 की वैल्यू है 1, तो हम यहां पर रख देंगे 1, z की पावर माइनस 0 आपको रिजल्ट में देगा 1, प्लस x1 की वैल्यू है 2, साथ में है z की पावर माइनस 1, प्लस x2 की वैल्यू है 3, साथ में है z की पावर माइनस 2, प्लस x3 की वैल्यू है 4, साथ में है z की पावर माइनस 3। तो हमने सिग्नल की वैल्यूज को इसमें रख लिया है। अब इसके बाद हम इस इक्वेशन को एक स्टेप और सिंपलीफाई करेंगे, यानी हमें यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस 2 जेड
इनवर्स प्लस 3z^-2 प्लस 4z^-3। और ये इक्वेशन हमें देगी हमारे सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म यानी कि xz। तो ऐसे हम फॉर्मूला पर बेस्ड बाइलेटरल z ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन करते हैं। वहीं पर यूनिलेटरल z ट्रांसफॉर्म यानी कि वो ट्रांसफॉर्म जो एक साइड पर डिफाइंड है, ये ट्रांसफॉर्म पॉजिटिव साइड पर डिफाइन किया जाता है और ये ट्रांसफॉर्म यूज किया जाता है सिर्फ कॉजल सिग्नल्स के एनालिसिस के लिए। एंटी कॉजल या नॉन कॉजल के एनालिसिस के लिए हम यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म का यूज नहीं करते। यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म को कहीं कहीं पर एक्स प्लस जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला एन इज इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट तक समेशन एक्स एन जेड टू द पावर माइनस एन ये होता है। तो अगर आप कॉजल सिग्नल्स के लिए कैलकुलेशन कर रही हैं, उस केस में आपको बाइलेटरल और यूनिलेटरल दोनों जेड ट्रांसफॉर्म में रिजल्ट सेम मिलेगा, लेकिन यूनिलेटरल को आप एंटी कॉजल या नॉन कॉजल के लिए यूज नहीं करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म।